जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है एक सबसे बड़ा मिथ है, जो आप भी बात कर रहे थे इससे पहले, कि बहुत लोग ये बात करते हैं कि यार सिर्फ सोचने से कैसे हो जाएगा। एब्सोल्युटली सिर्फ सोचने से कैसे होगा, लेकिन बिना सोचे कैसे हो जाएगा। वो लोग सोचते हैं ये तो पुरानी सोचा है, सेटिस्फाइड रहो, कंटेंट रहो। नहीं, इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट कि आपको भगवान ने जो दिया आप उसमें खुश हैं, लेकिन आपको और भी चाहिए, जिसके लिए आप बहुत मेहनत करने के लिए, बहुत सही एनर्जी वाइब्रेट करने के लिए, हर चीज के लिए आप बहुत ज्यादा तैयार हो। ये उनके लिए एडवाइजेबल है, जैसे किसी को इंटरव्यू के लिए जाना है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, या किसी का रिजल्ट आना है जो बहुत जल्दी से, उसके पास मौका ही नहीं है, टाइम नहीं है, बट उसे अभी करना है, अब क्या करे वो एंड मोमेंट पर। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री, मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी। और देखिए आज बात होगी इस पॉडकास्ट में मैनिफेस्टेशन पे, उनकी टेक्निक्स पर, और कैसे आप उन टेक्निक्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करके बहुत कुछ पा सकते हैं, यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन वो करना कैसे है यही बात होगी। और मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आज स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर अमित कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड सर। मैं ना बहुत एक्साइटेड थी आज का पॉडकास्ट शूट करने के लिए, बिकॉज मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हम बड़ी बड़ी बातें सुनते हैं लेकिन तकनीक कोई नहीं बताता है कि अच्छा, लोग कहते हैं कि बस मन में सोच लो और आपका हो जाएगा। यार ऐसे कैसे हो जाएगा कि मन में सोच लो, मैं तो बहुत बातें सोचती हूँ पर होता तो है नहीं। तो क्या है, पहली बात तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है और क्यों इसका इतना हल्ला मचाया हुआ है? देखिए हल्ला इसलिए मचा हुआ है क्योंकि आज के टाइम में क्या हो रहा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं स्टेज पे जाके कि मैंने ये मैनिफेस्ट किया, आई हैव मैनिफेस्टेड दिस, आई हैव ट्राइड यूजिंग विजन बोर्ड, आई हैव, माय पेरेंट्स हैव मैनिफेस्टेड दिस। तो जब ये लोग, बड़े बड़े लोग जब ये ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं दैट गेट इनटू ट्रेंड, तो लोग उसके बारे में क्यूरियोसिटी लोगों के मन में जागती है, और जिसकी वजह से लोग इसको और सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद हम जैसे लोग उस पर बहुत सारी बात कर पाते हैं। कहीं ना कहीं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मैनिफेस्टेशन है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। अच्छा, जैसे लॉ ऑफ वाइब्रेशन है, लॉ ऑफ एनर्जी है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, जैसे हमेशा से था, ये भी हमेशा से था, बस अब इसको नाम दे दिया गया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन। इसीलिए लोग थोड़े से ना इस पर वो करने लगे हैं, डाउट करने लगे हैं या कन्फ्यूज होने लगे हैं कि यार ये कौन सा नया लॉ आ गया। लेकिन अगर हम गौर से जाएं और हमेशा से सोचें, इन लाइफ में वही इंसान बहुत अच्छा कर पाया है जो लाइफ में बड़ी सोच रखता है। आपको एक्सीडेंटली बहुत सक्सेसफुल लोग बहुत कम मिलेंगे। आपको सक्सेसफुल लोग वही मिलेंगे जो एक वक्त था जब उनका बहुत खराब भी वक्त चल रहा था, लेकिन उनके मन में हमेशा एक बहुत बड़े बड़े सपने थे, और उन्होंने हमेशा बोला था कि यार लाइफ में कुछ बड़ा तो जरूर करेंगे, कैसे पता नहीं है बट देखते हैं, लेकिन करना जरूर बहुत कुछ बड़ा है। आज जब हम अपने गोल डिसाइड करते हैं कि मुझे आने वाले 6 महीने में, साल भर में मुझे कहाँ पहुँचना है, ये भी मैनिफेस्टेशन ही है। लेकिन डेफिनेटली एक मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में कुछ और भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जब आप उसको कंप्लीट करते हो तब जाकर आपका मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, और आप अपने मन में या आप अपनी रियलिटी में उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर पाते हो। रियलिटी में, मन से वो रियलिटी तक आ पाता है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो आपके करियर को लेकर हो, आज आप जो कर रहे हैं आपने सोचा ही होगा ना। ठीक है, कई बार तो होता है जब किसी चीज में आ जाते हैं, तो मैं वो भी समझता हूँ कि वो भगवान का मास्टर प्लान होता है, कि हम सोचते नहीं बट वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे उस चीज को करने लगते हैं, तो हमें ये रियलाइज होता है यार ऐसा कुछ तो मैं हमेशा से करना चाहता था, डेफिनेटली ये तो मेरा सपना था। तो आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, हर कोई यूज कर रहा है, बट वो नाम नहीं दे पा रहा था। अब किसी ने नाम दे दिया है तो अब लोग इसको और ज्यादा समझ रहे हैं, और मैं बहुत खुश होता हूँ जब लोग ये बात करते हैं कि यार हमने अपनी लाइफ में इतनी सारी चीजें मैनिफेस्ट की। आज के वक्त में मुझे एवरीडे सोशल मीडिया के माध्यम से, बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से, आई गेट नथिंग लेस देन 50-60 टेस्टिमनी एवरीडे सेइंग दिस कि मैंने अपनी लाइफ में ये मैनिफेस्ट किया और मिल गया। अच्छा, आप मैनिफेस्टेशन कोच भी हैं, और अभी हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी तो आप बता रहे थे कि बहुत सारे बैचेस लेते हैं, लोग सीखते हैं, बड़े बड़े लोग भी मैनिफेस्टेशन को सीख रहे हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि स्किल सेट एंड मैनिफेस्टेशन, क्या ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, साथ साथ चलते हैं, या कुछ भी ऊपर नीचे है इनमें? नहीं, देखिए दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला क्या है, देखो जो आपने बोला ना, सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू वांट, आपको चाहिए क्या। अच्छा, ये बहुत जरूरी है। एंड उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि कैसे वो मिलेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, एक सबसे बड़ा मिथ है, जो आप भी बात कर रहे थे इससे पहले, कि बहुत लोग ये बात करते हैं कि यार
सिर्फ सोचने से कैसे हो जाएगा? एब्सोल्युटली सिर्फ सोचने से कैसे होगा, लेकिन बिना सोचे कैसे हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं उस सोच को बहुत सारे एक्शन के साथ कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ये सोचा कि मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मैनिफेस्ट करनी है, एक बेटर करियर मैनिफेस्ट करना है, आज भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे भी और भी अच्छा करना चाहते हैं, कंसिस्टेंटली इम्प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन आप इसके बारे में कोई एक्शन नहीं लेते, आप यहीं है, आप यहीं रहते हैं, कहीं अप्लाई नहीं करते हैं, अपनी स्किल अपग्रेड नहीं करते हैं, कुछ नया नहीं पढ़ते हैं, नया नहीं जानते, कोई एक्शन नहीं है लाइफ में, आप कैसे आगे मूव करेंगे? ऐसे ही आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक ही कंपनी में बहुत सालों से हैं, लेकिन बहुत ग्रोथ नहीं देखिए, सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, ग्रोथ नहीं है उनकी। कारण क्या है? एक्शन नहीं है, वो सस्टेन कर रहे हैं किसी तरह समहाउ। लेकिन कुछ लोग आपको उसी बीच में कुछ लोग मिलेंगे जो हर 3 महीने में हाइक ले रहे हैं, जो हर 6 महीने में एक इंक्रीमेंट ले रहे हैं, हर साल वो कंपनी शिफ्ट करते हैं और एक कहां से कहां पहुंच गए आपके सामने ही निकलकर। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कंसिस्टेंट एक्शन लिया। ये एक एग्जांपल है लाइफ का, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज हम अपनी जिंदगी के हर एरिया में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हर एरिया ऑफ लाइफ। कहीं भी कोई भी ऐसा एक एरिया नहीं है जहां पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन को इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, बशर्ते आपको क्लैरिटी है कि मुझे चाहिए क्या। दूसरी चीज, आपको ये क्लैरिटी है कि मेरे को वहां तक कैसे पहुंचना है, जो आपने स्किल की बात कही। तो मैं हमेशा बोलूंगा, ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन अगर आपने मिला दिया तो भगवान अपने आप ही दिला देगा वो चीज। तो जैसे वो शाहरुख खान का डायलॉग है, अगर आप कुछ भी चीज पूरी शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात मिलके लग जाती है आपको उस चीज को दिलाने में। ऐसे ही वो जो कायनात क्या है, वो कायनात है सुप्रीम पावर, वो कायनात है हमारे भगवान, वो यूनिवर्स। आप उनको कुछ भी नाम दे दो, या वो आशीर्वाद बोल दो, वो ब्लेसिंग बोल दो, माँ बाप के कुछ भी बोल दो, बड़ों की ब्लेसिंग्स बोल दो, ये सब कायनात है। लेकिन अगर आपकी अच्छी वाइब्रेशंस हैं तब जाकर ये सारी चीजें होती हैं। अच्छा, थोड़ी टेक्निक्स पे बात कर लें। बिल्कुल। कि अगर मान लीजिए कोई, जो लोग भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनमें से कोई चाहता है कि यार मैंने सोच रखा मेरा गोल क्या है, अब मैं मैनिफेस्ट करना चाहता हूँ, कैसे करें? तो मैं शुरुआत करूंगा, दो चीजें ऐसी बताऊंगा। सबसे पहले, जो कि मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक्स मानी जाती हैं, और अगर आपने सिर्फ इन्हीं चीज़ों को कर लिया तो आपकी लाइफ बहुत बदल सकती है। इसके अलावा भी 2-3 चीज़ें और ऐसी हैं, अगर आपने उनको भी ऐड ऑन कर लिया, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया, तो आपको यू कैन बिकम अनस्टॉपेबल। आप ऐसी ग्रोथ देख सकते हैं, एंड इट इज़ नॉट अ मैजिक। मतलब ऐसा कुछ नहीं, ये मैजिक है, ये कुछ अलग से रातों रात सब कुछ बदल जाएगा, कुछ नहीं बदलेगा। आपकी वाइब्रेशन बदलेगी, आप वैसे लोग अट्रैक्ट करोगे, आप वैसी सिचुएशन, वैसी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी, लेकिन एक्शन आपको लेना पड़ेगा। तो मैं उसका पूरा रोड मैप बताता हूँ कि कैसे कोई भी कर सकता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी इंसान को करनी चाहिए वो है ग्रैटिट्यूड में होना। ग्रैटिट्यूड डायरेक्टली, ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का प्रोसेस है, बट मैं ये मानता हूँ ये अपने आप में एक सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रैटिट्यूड का बेसिक मतलब है उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना जो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमारे पर ना एक सर्विलेंस कैमरा हमेशा लगा हुआ है, भगवान देख रहा है हमें कैमरे से हमेशा, ठीक है? हम, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, हर चीज़ उस कैमरे में कैद हो रही है। और ये जो कैमरा है ये हर एक इंसान के ऊपर है, हर एक इंसान के ऊपर है। अब जब ये कैमरा चल रहा है तो वो ऑब्जर्वेशन की जा रही है कि इंसान क्या सोचता है, ये कैसे वर्ड यूज कर रहा है, कैसे कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, वो हर चीज देख रहे हैं, जिससे हमारी एनर्जी डिसाइड होती है। अब आप कुछ गलत बोलोगे तो गलत होगी, आप किसी से झगड़ा करोगे तो एनर्जी डाउन हो जाती है, आप गुस्से में घर से निकलते तो पूरा दिन खराब हो जाता है, सब एनर्जी तो है। तो ये कैमरा हमारे पर सेटअप किया गया है। अब भगवान क्या देख रहा है? अब भगवान ये देख रहा है कि यार जो मैंने इसको दिया है क्या ये उसमें खुश है। अब फॉर एग्जाम्पल, आज भगवान ने आपको 1,00,000 रुपए की सैलरी दी, ठीक है? अब भगवान को, अब दो लोगों को चलिए मानते हैं, दो लोग हैं इक्वल पोटेंशियल वाले लोग, दोनों को भगवान ने कहा कि इनको 1,00,000 रुपए, ये चलो ठीक है छोटा लेते हैं, वरना लोग बहुत बड़े लोग, बहुत सारे लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे इससे। बोलते हैं 20,000 के दो कैंडिडेट है, दोनों की अच्छी जॉब है, सही लोग हैं। एक बच्चा जो है उसमें से वो ये बोलता है कि भगवान 20,000 रुपए यार कुछ नहीं होता, माँ बाप के पास, मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ बहुत दिया नहीं, ना माँ बाप की प्रॉपर्टी है, ना उन्होंने मेरे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, गाँव में रहा हूँ, ना मेरे को रिसोर्सेज मिले, ना मेरे को सहारा मिला, ना मेरे को सपोर्ट, आप तो कुछ कर दो कम से कम। कंप्लेनिंग एटीट्यूड। दूसरा बच्चा क्या कह रहा है, भगवान ना मेरे माँ बाप ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जितना था उन्होंने मेरे को बहुत देने की कोशिश की, ठीक है? बहुत बड़े बड़े लोगों का सहारा नहीं मिला, लेकिन आज मेरे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे पुश करने में लगे हुए हैं,
मेरे घर में किसी ने भी 20,000 रुपये नहीं कमाए, भगवान मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मुझे और चाहिए भगवान, ताकि मैं सबको अपलिफ्ट कर सकूँ। ये जो दो सोच है, ये बिल्कुल अपोजिट सोच है। बिल्कुल। अब इसमें से भगवान पता है किसको देगा? जो ये सोच रहा है कि ग्रेटिट्यूड वाले को, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो पॉजिटिव है। क्योंकि भगवान क्या देख रहा है कि यार मैंने आपको 20,000 दिए हैं, आप इसमें खुश नहीं हो, मतलब आपको चाहिए नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि यार अमित हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, और आपका बर्थडे आया, मैंने ना एक बहुत सुंदर सा एक छोटा सा क्लच लेकर आपको दिया, ठीक है, बहुत सुंदर सा, और जैसे ही मैंने आपको दिया, अब आप बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे, मैंने जैसे ही आपको गिफ्ट में वो क्लच दिया, आप बोलते हो यार यार मैं चेक क्यों नहीं किया तुमने उसे, पता है देखो मैं क्लच यूज़ नहीं करती, मैं बड़े बैग यूज़ करती हूँ, क्या कर रहा है तू, पूछ ही लेता हूँ उससे एक बार बता इसका बिल है तेरे पास, मैं इसको ना रिफंड कराती हूँ, करते ना अच्छे दोस्तों कर ही लेते हैं सब, एक्सचेंज कर लूंगी, कुछ और ले लूंगी, अगले साल आपका बर्थडे आया, मैं आपको क्या दूंगा, बड़ा बैग शायद कुछ भी नहीं, मैं आपको सिर्फ कूपन ही दूंगा, या आपको बोलूंगा बेटा कुछ खुद जाके खुद ही ले आना यार, क्यों पता है, क्योंकि मुझे पता है पता नहीं क्या ही है भाई, क्या ही दूं, तो भगवान भी ये कर रहे हैं, जिस चीज को भगवान ने आपको दिया है अगर आप उसको लेकर खुश नहीं है, तो भगवान को ये लगता है कि यार इसको बच्चे को पसंद नहीं आया वो चीज़। आपको पता है मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं हमें अपनी लाइफ में, जो हर चीज में कमी निकालते हैं और फिर उनको कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं है। करेक्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो यही रूल है भगवान का। अब भगवान क्या देख रहा है, एक गरीब इंसान को देख रहा है, वो जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसको बहुत कम दिया है, लेकिन वो खुश है। भगवान क्या सोच रहा है, इसको तो कुछ भी नहीं दिया, ये तब भी इतना खुश है, इतना खुश है, इसको तो और दे दो यार, और क्योंकि उसको जो, क्योंकि वो खुश है, उसको बस मैं 100 रुपए दे रहा हूँ हर रोज की दिहाड़ी, लेकिन खुश है, परिवार में खुश रहता है, एनर्जी सही है, सबको खुश रखने की कोशिश करता है, इसको ग्रोथ दो, इसको 100, देखो बच्चा 100 रुपए में खुश है, इसको 1,000 दे तो ज्यादा खुश होगा क्या, ये 1,000 देते हैं चलो उसको। वहीं एक जो सक्सेसफुल इंसान है, नेगेटिव है, उसको उससे भगवान क्या कहेगा, अरे इसको तो अच्छा नहीं लग रहा यार, इसको मैंने 100 दिया अच्छा नहीं लगा ना, इसे ले लो, कुछ और देंगे इसको, तो जो है वो भी जा रहा है आपके पास से। तो यही कारण है कुछ लोग हमेशा क्यों बोलते हैं कि मेरी लाइफ में इतना कुछ, मैंने मेहनत की, मैंने सब कुछ किया, मैं डिजर्विंग हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फिर भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, आपकी एनर्जी ठीक नहीं, पॉजिटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं आप। और ये कोई रूल थोड़ी ना है, अब आप खुद सोचिए कि ये तो एक ऐसे नहीं लगता, ये तो यूनिवर्सल रूल है, ग्रैटिट्यूड तो नाम अब दे दिया गया है इसको, ये तो एटीट्यूड है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी तो कहते हैं ना कि भगवान का शुक्रिया अदा करो, जो मिला है उसमें संतुष्ट रहो। करेक्ट। अब लोग ना इसको संतुष्टि को पता है क्या सोचते हैं, कि हमारी ग्रोथ में बैरियर है। हाँ, संतुष्टि इज नॉट अ बैरियर, सेटिस्फैक्शन मींस यू आर हैप्पी फॉर व्हाट यू ऑलरेडी हैव, यू वांट अबंडेंस, आप बहुत ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, बट यू आर हैप्पी इन व्हाट यू ऑलरेडी हैव इज द अबंडेंस। यस। तो वो लोग सोचते हैं ये तो पुरानी सोच है, सेटिस्फाइड रहो, कंटेंट रहो, नहीं, इट इज नॉट अबाउट दैट, इट इज अबाउट कि आपको भगवान ने जो दिया आप उसमें खुश हैं, लेकिन आपको और भी चाहिए, जिसके लिए आप बहुत मेहनत करने के लिए, बहुत सही एनर्जी वाइब्रेट करने के लिए, हर चीज के लिए आप बहुत ज्यादा तैयार हो, ठीक है। तो ये सबसे पहला रूल हो गया। करेक्ट। दूसरी चीज जो टेक्निक में हम कंसिडर करते हैं वो है अफर्मेशन राइटिंग एंड विजुलाइजेशन। राइटिंग, विजुलाइजेशन टेक्निक, ये दो टेक्निक है, ठीक है, ठीक है। अफर्मेशन राइटिंग क्या है, अफर्मेशन भी मल्टीपल तरीके से की जाती है, बोल के भी की जाती है, लिख के भी की जाती है, बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ अबाउट रिटन, ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई भी चीज लिखते हैं, लिखते तो नीचे है, जैसे हम कंप्यूटर पे लिखते हैं, कीबोर्ड पे थोड़ी ना जाता है वो, मॉनिटर पे जाता है, तो जब भी आप हाथ लिखते हो तो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न में प्रिंट होता है। जैसे बचपन में हमने क्या किया था, जब भी हम कुछ गलती करते थे या मैं कुछ याद नहीं हो रहा था, तो बहुत बार ताकि वो हमें परमानेंटली हमें याद हो जाए। तो एक होती है अफर्मेशन टेक्निक, जिसमें आपको लिखना होता है कि आप लिखो कि आपको क्या चाहिए, इसको लिखा, लिखने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं हमेशा कुछ एडवाइस देता हूँ, जैसे एक टेक्निक है जिसका नाम है 555। ये टेक्निक है जो कि सिर्फ 5 दिन करनी होती है, ठीक है, ये उनके लिए एडवाइजेबल है। जैसे किसी को इंटरव्यू के लिए जाना है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, या किसी का रिजल्ट आना है, जो बहुत जल्दी से उसके पास मौका ही नहीं है, टाइम नहीं है, बट उसे अभी करना है, अब क्या करे वो एंड मोमेंट पर, तो उसको वो क्या करता है, 5 दिन तक हर रोज अपनी उस एक अफर्मेशन को जो उसकी विश है उसको 55 टाइम लिखता है, ओनली फॉर 5 डेज। और अफर्मेशन को कैसे लिखते हैं, अफर्मेशन को लिखने का तरीका ये है कि
पहला स्टार्ट विद ग्रेटिट्यूड, थैंक यू बोलिए भगवान को, या जिसको भी आप मानते हैं। बहुत लोगों ने मैं भगवान को नहीं मानता, आप किसी को तो मानते होगे, उसको धन्यवाद बोलो पहले कि उनकी ब्लेसिंग से आपको वो मिला है। दूसरी चीज, जो चीज आप चाहते हो वो आपको लिखना है जैसे ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, ये तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये मुश्किल है, प्रैक्टिस से हो जाता है ये भी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कि मुझे 5 लाख रुपए पर मंथ की एक सैलरी चाहिए थी, तो आप लिख रहे हो कि थैंक यू गॉड, मुझे 5 लाख रुपए की पर मंथ की जॉब मिल गई है। अरे बाप रे। एंड में, और आपके उसको उसके बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? और मैं खुश हो रहा हूँ भाई, और मेरी फैमिली, मेरे पार्टनर बहुत खुश है। ये अफर्मेशन है बेसिकली। ये क्यों है? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप कैसे रेडिएट करोगे अपनी एनर्जी जब आप ऑलरेडी बोल रहे हो कि मैं ऑलरेडी मिल चुका, तो आप काम क्यों करोगे? फर्क ये आता है, अगर आप ये नहीं लिखोगे ना कि ऑलरेडी मिल चुकी है, तो आप उस लेवल पर अपनी एनर्जी को लेके ही नहीं जा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लेते हैं आपकी कोई ड्रीम कार है, ठीक है, जो आप चाहते हो कि यार एक दिन तो मेरे पास ये मतलब है, मेरे पास अभी गाड़ी, लेकिन एक ड्रीम कार भी है और मुझे वो चाहिए। या फॉर एग्जाम्पल, आप एक घर लेना चाहते हो, ठीक है, और अभी हमारे इस शूट के बाद आपको उस घर में जाना है, वो आपने फाइनल किया हुआ है, फैमिली के साथ फाइनल किया हुआ है सब कुछ, और इस शूट के इमीडिएटली बाद आपको आज उस घर के घर की चाबी मिलने वाली है। ओके, एक ये फीलिंग है। दूसरी फीलिंग है, इस साल के एंड तक आपको वो घर लेना है। कौन सी बेटर फीलिंग है? एक चाबी मिलने चाबी वाली? मिलने वाली है, क्योंकि जब आपको एहसास होता है कि वो चीज ऑलरेडी मेरी है, तभी उस एनर्जी को आप उस लेवल पर लेकर जा पाते हो। ये डिफरेंस क्रिएट करता है बहुत ज्यादा। तो आपको कोई भी अफर्मेशन लिखनी है, वो ऐसे ही लिखनी है जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। सिंपल सी स्टेटमेंट बनानी, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई लंबी स्टेटमेंट नहीं बनानी, छोटी सी स्टेटमेंट बनाइए हर चीज के लिए जो भी चाहिए, और उसको 555 टेक्निक में हर रोज 5 दिन तक लिखिए 55 टाइम्स इन द मॉर्निंग। सुबह एडवाइजेबल इसलिए होती है क्योंकि आपकी एनर्जी ना बहुत अच्छी होती है, आपका माइंड थोड़ा एम्प्टी होता है, क्योंकि दिन में तो आप अपने काम में लग जाओगे, ऑफिस जाओगे, बहुत सारी चीजें, तरह तरह के सवाल, क्वेश्चंस, एनर्जी अलग अलग होंगी, काम प्रेशर होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो वो, लेकिन अगर आपने सुबह कर लिया, आपकी वाइब्रेशन पूरे दिन अच्छी हो जाती है, पूरे दिन अच्छी वाइब्रेशन, तो इसलिए सुबह ही एडवाइजेबल होता है। तो पहली टेक्निक है ये। दूसरी टेक्निक है जिसको मैं बोलता हूँ 369, इसको निकोला टेस्ला टेक्निक भी कही जाती है, बहुत फेमस टेक्निक है, लेकिन ये बहुत अच्छी है। निकोला टेस्ला ने 369 नंबर के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उन्होंने ये बोला कि जब 369 के वाइब्रेशन पर कोई भी चीज की जाती है, तो उन्होंने बहुत सारे अपने साइंटिफिक रिसर्च इन्हीं नंबर के साथ किए, इन्हीं डायमेंशन के साथ किए, उनको सबसे ज्यादा रिजल्ट तभी मिले। और इसमें हमारा रूल क्या कहता है, मैनिफेस्टेशन के साथ कैसे जोड़ा गया है इसको, कि आप क्या करो, जो एक अफर्मेशन आपने लिखी थी, सुबह 3 बार लिखो उसको, दोपहर में 6 बार लिखो, रात को 9 बार लिखो, एटलीस्ट फॉर 45 डेज। बहुत ही पावरफुल है, अफर्मेशन लिखने का सेम तरीका है, लेकिन 555 में और 369 में आप सिर्फ एक अफर्मेशन ही लिख सकते हो। दोनों में सेम होनी चाहिए? नहीं, एक वक्त पर एक टेक्निक करो। अच्छा, एक वक्त पर एक वक्त पर दो टेक्निक मत करो, कंफ्यूज मत करो यूनिवर्स को भी, एक ही कर लो बहुत है, मतलब ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। बहुत सारे लोग इसमें जाते हैं कि दो टेक्निक कर लें क्या, तीन कर लें, कर तो कुछ भी लो, एनर्जी अच्छी रहेगी, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने एक अच्छे से किया। तो आप या तो 555 कर लो या 369 कर लो आप, ठीक है, इनका ड्यूरेशन अलग है, तरीका अलग है करने का, लेकिन अफर्मेशन जो आप लिखते हो वो सेम ही होती है, सेम उसका टेक्निक सेम ही रहेगा। थर्ड टेक्निक, ये मेरी खुद की टेक्निक है जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके बताना शुरू किया, तो लोगों को बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले। ये उनके लिए बहुत अच्छी है जो एक वक्त पर मल्टीपल विशेस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। यही वाले चाहिए सारे सबको। करेक्ट। जैसे कि मान लो आपने कहा कि यार अमित, आई वॉन्ट बाय हाउस, आई वॉन्ट करियर ग्रोथ, आई वॉन्ट हेल्थ ऑल्सो, तो इन तीनों एरिया में आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एंड विच इज गुड ऑल्सो, सही है, पैरेलल एरिया से पैरेलली काम किया जा सकता है। इस इन सब के लिए टेक्निक है 10x3। 10x3 आप क्या करते हो, आप 3 अफर्मेशन पिकअप करते हो, ठीक है, इसी मेथड से, जैसे मैंने मेथड बताया ग्रैटिट्यूड, अफर्मेशन एंड योर इमोशंस, इसी कॉम्बिनेशन के साथ आपने अपनी अफर्मेशन फॉर्म की 3 अलग अलग, और आप क्या करते हो, हर रोज सुबह 10 बार लिखते हो, तो पहली अफर्मेशन 10 बार, दूसरी अफर्मेशन 10 बार, तीसरी अफर्मेशन 10 बार, एटलीस्ट फॉर 30 डेज। ओके, दैट्स इट। और जब आप इनमें से कोई भी टेक्निक पिकअप करोगे, आपको ये रियलाइज होगा कि आपकी जो एनर्जी है वो इस लेवल पर जाकर पहुंच जाएगी, इतना पॉजिटिव
आपको कभी नहीं लगा होगा, जब बाय फॉलोइंग जब ये टेक्निक आपको महसूस होगा ना, वो एनर्जी कभी महसूस नहीं होगी। और ये क्या होता है मैं आपको बता दूं, जब अफर्मेशन आप करने लगते हो आपको ना रास्ते मिलने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अफर्मेशन लिखी, भगवान ने एकदम आपको वो चीज लाकर आपके गोद में दे दी, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भगवान क्या करेगा, आपने बोला कि मुझे एक घर लेना है, अचानक से, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो दुनिया का सबसे बड़ा एआई है, ठीक है। आप वो अब तो होता है गूगल पर आप जो सर्च करोगे वो आपको ऐड दिखती है, वो सब वो छोड़ो, आप यहाँ सोच लो, मैं अभी बोल रहा हूँ, कोई एक ऐसा नया थॉट दे दो अपने आपको, आप इस चाहे इस पॉडकास्ट के बाद दे देना, कोई भी नया थॉट दे दो, सिर्फ सोचो आप अभी, ठीक है, सोच लीजिए कोई नया थॉट, ठीक है, मुझे बाद में पर्सनली आप बताना अगले एक हफ्ते में आपको उससे जुड़ी हुई कितनी सारी चीजें दिखाई देंगी जो आपने अभी अभी सोचा है। बिना टाइप के सर्च मत करना, कुछ मत करना, आपको ये दिखाई देगा, देख लेना, ठीक है। और मैं मतलब इतने कॉन्फिडेंस से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका सक्सेस रेट जो मैंने बोला है 100% है, ये होगा ही होगा आपके साथ, होगा ही होगा। तो क्या होता है जब आप ऐसी कोई भी किसी भी तरह की एनर्जी में आते हो, बेसिकली इट इज नथिंग बट एनर्जी, आपकी एनर्जी कैसी है। अगर जैसे हम FM है, जब आप 98.3 रेडियो मिर्ची सुन रहे हैं, हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं किसी को, बट अगर वो सुनना है, अगर 98.2 चलाओगे तो क्या आवाज साफ आएगी, 98.4 पर आवाज साफ नहीं आएगी, मैच होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए, उस मैच पर आपको मिल जाएगा। आपको मुझसे बात करनी है, मेरा लास्ट का डिजिट 5 है, अगर आप उसको 6 कर दोगे तो क्या आप मुझसे बात कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो एनर्जी चैनल अलग हो जाएगा। ऐसे ही आप क्या करोगे, जब आप कुछ भी सोचना शुरू करते हो अपने आप को उस एनर्जी पर ले जाते हो, तो हर चीज लाइफ की एक अलग फ्रीक्वेंसी पर पड़ी हुई है। सक्सेस है, अच्छी जॉब है, अच्छा रिलेशनशिप है, इन सबकी एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग लेवल है, ऊपर नीचे नहीं है ये, लेकिन अलग अलग लेवल है, okay. है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी फ्रीक्वेंसी को उसकी फ्रीक्वेंसी पे लाना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। अब जैसे 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 आप अपने आप को इस एनर्जी पर लेकर आओगे, तब जैसे ही उस एनर्जी पर आओगे, वो गाना आपको, वो संगीत आपको जिंदगी का सुनाई देने लगेगा और आप महसूस करने लगोगे लव यू जिंदगी, ठीक है। तो ये एनर्जी सारा मैच कर रहे हो आप। इसका एक जो बेहतरीन तरीका है, जो मैंने सबसे पहले बताया, ग्रैटिट्यूड है। दूसरा जो बेहतरीन तरीका है वो है अफर्मेशन, एंड अफर्मेशन के साथ जो एक चीज आप हर किसी को करनी चाहिए वो है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में क्या होता है, विजुअलाइजेशन इज नथिंग बट इमेजिनेशन, यूज द पावर ऑफ योर इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इतना ज्यादा पावरफुल है कि आज के टाइम में मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, बहुत जगह बोल चुका हूँ, बड़े बड़े क्रिकेटर्स, विराट कोहली, शिखर धवन, आप रोहित शर्मा, कितने लोग हैं स्पोर्ट्स में तो ओपनली बात करते हैं सब लोग, ये सारे लोग किसी भी क्रिकेट मैच से पहले उस चीज़ को विजुलाइज करते हैं कि मैं, मेरा इसके साथ मैच होने वाला है और उसके बॉलर्स को मैं 6 मार रहा हूँ, 4 मार रहा हूँ, 100 मार रहा हूँ, ये साफ बोला है, इंटरव्यूज में बोल रहे हैं लोग। तो आपको स्विमिंग में, स्पेशली स्विमिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पे विजुलाइजेशन को बहुत ज्यादा ओपनली यूज किया जाता है बाय कोचेस। वो बोलते हैं कि बिफोर यू स्विम आपको एक 13 मिनट की, एक नंबर ऐसा 13 मिनट की मेडिटेशन कराई जाती है, 13 मिनट की मेडिटेशन कराई जाती है, जहां पर आप सिर्फ विजुलाइज करते हो दैट यू आर विनिंग दिस स्ट्रीक। और ये दिस इज पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस। एंड इसमें क्या करना होता है, बेसिकली इसमें आप विजुलाइज करते हो कि कैसे आप उस चीज तक पहुंच रहे हो, कैसे वो चीज आपको मिल रही है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मान लो आपने घर के लिए अफर्मेशन की, हे भगवान घर दे दे मन में, नहीं, इट्स नॉट दैट। इसका मतलब ये कि आपको हर बारीक चीज को महसूस करना है। जैसे आपने बोला मुझे घर चाहिए, तो आपने क्या किया, उस घर तक कैसे पहुंचे आप, पहला आपने महसूस किया कि मेरे को किसी दोस्त ने कॉल किया या किसी पहचान वाले ने कॉल किया जो रियल एस्टेट में है, उसने कहा यहां पर बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, फिर हम और मेरे हस्बैंड या मेरे पार्टनर या मेरी फैमिली में कोई भी पर्सन, हम उस घर के विजिट के लिए गए, घर देखते ही बहुत पसंद आ गया, घर का प्राइस ऐसा था कि शायद जो लग रहा था थोड़ा सा मुश्किल है, बट हमने कहा यार नहीं यार लेट्स, हम हर जगह ग्रो करेंगे, हम ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। आप बुकिंग अमाउंट दे रहे हो, बुकिंग अमाउंट दिया, उन्होंने बोला कि सर आप घर का टूर कर लो, आप घर का टूर करके आते हो पूरा एक एक चीज़। अब ये आप सब इमेजिनेशन में कर रहे हो। अब जो लोग इमेजिनेशन कर पाते हैं दे आर बेटर मैनिफेस्टर। अच्छा, कुछ लोग नहीं कर पाते, वो लोग इमेजिनेशन नहीं कर पाते, क्योंकि जब आप इमेजिन नहीं कर सकते आप महसूस नहीं कर पाओगे इसको, इसीलिए मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प करती है। तो मेडिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें।
तो आप उसको इमेजिन करते हो, हर एक छोटी, आप घर में घुसे, गेट किस कलर का है, अंदर से आप देख रहे हो कैसा है, किचन का है, मंदिर का है, ड्राइंग रूम का है, कहाँ पर क्या सेटअप करने वाले, वॉल के कलर्स क्या हैं, पर्दों के कलर क्या है, आप हर चीज़ महसूस करते हो। और उसके बाद आप महसूस करते हो कि वही एजेंट आपको घर की चाबी देता है, ये घर आपका है। फिर आप उसके अंदर महसूस करते हो कि घर की फैमिली, पूरे फैमिली लोग आ रहे हैं, घर देख रहे हैं और कहते हैं कितना अच्छा है, आपको कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, वो खुशियाँ एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ आप जब मटेरियलिस्टिक लेते हो, वो आप तक ना लिमिटेड हो जाती है उसकी खुशी। अच्छा, आपने फॉर एग्जाम्पल आपको अपने का घर लेना है, आप अकेले हो फिलहाल, लेट से फॉर एग्जाम्पल, अचानक से आपके बॉस आए और आपको कहा कि यार आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपको ना कंपनी की तरफ से एक घर मिल रहा है हमेशा के लिए, उन्होंने आपको चाबी दी, इसके बाद आप क्या करोगे? सबसे पहले पापा मम्मी को फोन करूंगा, क्योंकि आपकी खुशी उस मटेरियलिस्टिक चीज में नहीं थी, आपकी खुशी आपके परिवार में। हाँ, ऑब्वियसली। क्योंकि हम ये ढूंढते हैं, कुछ भी चीज, कुछ भी सामान हमें मिला, हमें लगता है कि चीजें बहुत ऊपर होती है, नहीं होती। ये लोग कितना मर्जी बोल दें, किसी के लिए मटेरियलिस्टिक चीजें ऊपर हो ही नहीं सकती। लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसका परिवार, उसके, मैं बोल रहा था, रोंगटे खड़े हो रहे मेरे भी हो रहे हैं। उसका परिवार इंपॉर्टेंट होता है, उनके पार्टनर, उनके बच्चे, माँ बाप, इन लॉज, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, भाई बहन। क्योंकि आपको खुशी पता है कब मिलती है? जब आप उनके फोन करते हो वो मिल गया, फिर आप रोते हो, चाबी मिले भी नहीं हो गया। ये है इमेजिनेशन। और जब वो ये सब आप, जब आप ये महसूस कर सकते हो तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। वाओ वाओ डॉक्टर अमित, मतलब मजा आ गया। एक और मेरा सवाल है इसी में, कई लोग जो सुन रहे होंगे उनकी प्रॉब्लम होगी कि सेल्फ डाउट बहुत आता है। कई लोग कोशिश भी करते होंगे मैनिफेस्ट करने की, लिखते भी होंगे, लेकिन बार बार सेल्फ डाउट आ जाता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, उस सिचुएशन में कैसे क्या करें? देखिए, सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा जो कारण है, हमारे लिमिटिंग बिलीव हो सकता है। अच्छा, मतलब बचपन से जो हमें सिखाया गया या हमें बताया गया, वो यही बताया गया कि बेटा जिंदगी आसान नहीं होती, पैसा कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, आपको सही लोग नहीं मिलेंगे, हर जगह कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी कम है, अगर तुम एक मिनट के लिए भी ढीले पड़े और अब तुमने अपना ध्यान नहीं रखा तो कोई और तुम्हारी जगह ले लेगा और तुम्हें कभी भी कुछ नहीं मिल पाएगा, जिंदगी बहुत मुश्किल है, पैसे बहुत मुश्किल से कमाए जाते हैं। ये लिमिटिंग बिलीव जब तक हमारे दिमाग में पड़े रहेंगे तक हम लाइफ में सेल्फ डाउट में रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, देखो हमारे माँ बाप ने कुछ गलती की या हमें जानबूझ के ये सब किया, लेकिन उन्होंने अपनी सच्चाई बताई जब उन्हें ये नहीं पता था कि बच्चों को ये सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। बच्चों को ये बताना चाहिए कि बेटा जिंदगी खूबसूरत है, हम दुनिया के सबसे सबसे महान देश में रहते हैं जिसका नाम है भारत, पूरी दुनिया इंडिया में आ रही है काम करने के लिए और हम यहीं पर हैं, तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। अगर तुम मेहनती हो, तुम्हारे अंदर लगन है, तुम काबिल बनते हो, तुम मेहनत करते हो, तो दुनिया में तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो, तुमसे आगे कोई नहीं निकल सकता। अगर हजारों लोग हैं अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो हजारों लाखों पोस्ट आज भी खाली पड़ी हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो। आज हम और आप, हमें नहीं पता कि हमारे आसपास हमारे हमारे डिपार्टमेंट में, दूसरे डिपार्टमेंट में लोग नहीं मिल रहे हैं हमें, एक सही बंदा पर्सन नहीं मिल पा रहा है कि उस स्किल को मैच करता हुआ। सही कह रहे हो, है ना, करेक्ट। तो ये हम भी करते हैं, हमारी भी बड़ी टीम है, हम रोज महसूस कर रहे हैं, तो कहीं भी अपॉर्चुनिटी की तो कमी नहीं है। पता है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी किसको दिखाई देती है? जिसने उस लिमिटिंग बिलीफ को तोड़ दिया। बिल्कुल। लेकिन जो ये सोच रहा है नहीं मुश्किल है, मैं तो पढ़ाई भी नहीं की, मैं क्या कर पाऊंगा लाइफ में, माँ बाप ने भी बताया बेटा तुम कुछ नहीं करोगे तो रिक्शा ही चलाओगे, हम वैसी ही जिंदगी हमारी हो गई है। अब ये जो बिलीफ आप तोड़ोगे नहीं तो कैसे होगा? और बिलीफ तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका पता क्या? मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, डिजर्विंग बनने पर ध्यान दो। और ये कहा जाता है, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, समटाइम यू गेट व्हाट यू डिजर्व। अपने आप को डिजर्विंग बना दो। आप अपने आप से क्या ये कह सकते हो क्या कि ये जो चीज है अगर मुझे ही भगवान नहीं देगा तो किसको देगा यार? जितनी मैंने, जितनी शिद्दत से मैंने मेहनत की है, अगर मेरे से ज्यादा किसी ने नहीं की होगी भाई। आई एम द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर सक्सेस। जिस दिन आप ये कहने लगते हो ना अपने आप को, तब भगवान आपको क्यों नहीं देगा? अच्छा डॉक्टर अमित, कई बार ऐसा होता है कि हम ना लिखते नहीं है जो हमें चाहिए या गोल क्लियर नहीं होते हैं, ये सारी प्रॉब्लम को कैसे डील करें? देखिए, बहुत बार मैं एक चीज़ तो मानता हूँ और ये आप भी मानते होंगे कि लाइफ में डिसिप्लिन तो जरूर चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि सर मैं दो दिन लिखता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ, फिर मैं बिजी हो जाता हूँ। लेकिन मेरे को एक बात बताओ, क्या आप अपने सपने के लिए सच में सीरियस हो? आप मांग क्या रहे हो? आप ये सोचो, आप चॉकलेट मांग रहे हो क्या? नहीं मांग रहे हो आप चॉकलेट, आप एक चॉकलेट का पहाड़ मांग रहे हो।
आप कह रहे हो मुझे मेरा हाईएस्ट पैकेज हो जाए, मेरे को घर मिल जाए, मेरे को बड़ी गाड़ी मिले, मुझे सक्सेस मिले, मैं अपने परिवार को खुशी दे पाऊँ, आप दिन में एक बात मुझे बताइए, क्या आप ब्रश करने के लिए डिसिप्लिन नहीं है? क्या आप नहाने के लिए डिसिप्लिन नहीं है? खाने के लिए भी डिसिप्लिन हो, और ऑफिस जाने के लिए भी डिसिप्लिन हो, अपने हर काम को लेकर डिसिप्लिन हो, क्या आप अपने सपने को हर रोज 15 मिनट नहीं दे सकते? तो मैं इन लोगों को हमेशा बोलता हूँ जो इस तरह की बातें करते हैं, मैं उनको ये बोलता हूँ कि देखो यार, तुम्हारी सिर्फ विशफुल डिजायर है, तुम ये सोच रहे काश ऐसा हो जाता तो मजा ही आ जाता, काश मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊं तो मैं सब कुछ बदल दूंगा। अरे भाई, तुम मेहनत लगती है, प्रधानमंत्री बन जाओगे लेकिन आज आप करके आ रहे हो अपनी सोसाइटी के लिए, बता दो वहां से शुरुआत करो ना। चलो वो भी बहुत दूर, अपने घर के लिए क्या कर रहे हो आप? क्या वहां पर पॉजिटिव वाइब्रेशन आपने क्रिएट की हुई है, लोगों की मदद कर रहे हो, अपने घर में सब बच्चों को फैमिली को अपलिफ्ट कर रहे हो, फिर अपनी सोसाइटी में जाओ, फिर अपने छोटे छोटे एरिया में जाओ, ये देखने से बनते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे। तो हर कोई इंसान जो ये बोलता है कि मैं ये नहीं कर पाता, तो मैं ये बोलता हूँ वो एक्सक्यूज ही दे रहा है, और वो अपने सपने के लिए सीरियस नहीं है, चाहे वो कितना मर्जी बोले कि मैं सीरियस हूँ, मैं करना चाहता हूँ। तो अगर आप सीरियस हो तो आप अपने सपनों को फॉलो जरूर करोगे, और हर रोज अपने लिए 15-20 मिनट आधा घंटा तो हर कोई दे ही सकता है। आप ये खुद सोचिए, अगर आप, मैं तो ये चैलेंज लेकर बोलता हूँ, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करके देखो आप 30 दिन, आप अपनी जिंदगी नाम बदलो, मेरा नाम बदल देना, मैं अपने नाम से ना, मैं नाम की स्पेलिंग ऑलरेडी बदल चुका हूँ और कुछ बदल नहीं सकता, बट आप मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन, नई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाए अगले 30 दिन में, अगर ये जो मैंने पहले बताया अफर्मेशन, विजुलाइजेशन एंड ग्रैटिट्यूड, ये तीन प्रैक्टिस चीज़ें प्रैक्टिस करने से आपकी लाइफ नहीं बदलती, तो नाम बदल दूंगा मैं, आप लिटरली मैं बोल रहा हूँ दोबारा बदल दूंगा, क्योंकि ये इतना पावरफुल है। लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन आपको रहना पड़ेगा, आप ये एज ए एक्सक्यूज़ नहीं ले सकते, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। अब इससे आसान क्या होगा कि आपको एक जगह बैठकर अपनी एनर्जी को वाइब्रेशंस को ठीक करना है, सिर्फ हर रोज 20 मिनट। अब ये मुश्किल नहीं है, अब यही तो फर्क है ना एक सक्सेसफुल इंसान में और नॉट सो सक्सेसफुल इंसान में, क्या फर्क होगा, यही तो फर्क होगा। देखो कोई नहीं करना चाहता, एक सक्सेसफुल इंसान में और अनसक्सेसफुल इंसान में फर्क क्या होता है, दोनों लोग नहीं करना चाहते, लेकिन जो सक्सेसफुल इंसान होता है वो ना चाहने के बावजूद भी चीज को करता है। बिल्कुल, कोई सुबह नहीं उठना चाहता, बिल्कुल वो ना चाहते हुए भी उठते हैं। यही सब डिफरेंस क्रिएट करते हैं। अच्छा डॉक्टर अमित, आपको मैं बुरा मत मानिएगा, बट मैं किताबी कीड़ा कहूँगी, क्योंकि किताबें बहुत पढ़ते हैं आप, तो अगर हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई दो किताब सजेस्ट करना चाहें, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, लोग बातें सुनकर उतना उनके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है, बट अगर वो पढ़ लेते हैं कहीं से गाइडेंस मिल जाता है, उसके लिए अगर दो किताबें आप सजेस्ट करना चाहें। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी की अगर आप शुरुआत कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन की शुरुआत कर रहे हो, तो दो किताबें जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही पॉपुलर, उनको आप पढ़ के शुरुआत कर सकते हो। पहली किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसमें आपको ये समझ में आता है कि आपके जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, जो आपने पुराना सीखा, पुराना आपके माइंड में घुस गया, आप उसको कैसे रीफ्रेम कर सकते हो, रीप्रोग्राम कर सकते हो। ओके, चाहे वो अफर्मेशन के जरिए हो, विजुलाइजेशन के जरिए हो, सारे मेथड उसमें बताए गए हैं, मतलब ये लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ओके, लाइफ चेंजिंग किताब हो सकती है आपके लिए। दूसरी किताब आप लीजिए द मैजिक बाय रॉन्डा बर्न। Okay. ठीक है, ये किताब सिर्फ ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करती है, 28 दिन की प्रैक्टिस है, मेरे को कोई कमीशन नहीं मिलता इस किताब पर मैं फिर भी बताता हूँ इसके बारे में, क्योंकि मेरी इस किताब से मेरी जिंदगी बदली है। 28 दिन की प्रैक्टिस है, 2-3 पेज आपको रोज पढ़ने हैं इसके, उसके बाद उसमें एक्सरसाइज लिखी हुई है, उसी चीज को करना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना। अगले 30 दिन अगर आपने इस रोड मैप को फॉलो कर दिया, तो मैं आपको बता दूंगा कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। मैं मैम से बोलूंगा अभी कि इसका टाइटल भी रख दे कि चेंज योर लाइफ इन 30 डेज, अगले 30 दिन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं, और वो गारंटी है। वाओ, तो ये दो किताबें पढ़नी चाहिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित, काफी सारी चीजें पता चली आज मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और जो दो बुक आपने सजेस्ट करी है ना, आई होप कि आप सभी वो एक बार ट्राई जरूर करिए, और जो डॉक्टर अमित ने भी बताई है टेक्निक्स, वो एक बार 30 डेज की ही तो बात है, लाइफ के 30 डेज तो हम दे सकते हैं किसी एक अच्छी चीज को। बाकी जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ, कुछ बदलाव आए तो इस वीडियो पर दोबारा आइएगा और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।